पुलिस अधीक्षक ने किया 4 महीने पहले रूखालू गांव में हुई मुन्नीलाल की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रूखालू के रहने वाले मुन्नीलाल की 4 महीने पहले रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपी ओमकार और सुभाष गिरफ्तार किए, जिनसे पूछताछ में पता लगा कि मुन्नीलाल की पुत्रवधु के साथ उनके ही गाँव के ओमकार का अवैध संबंध स्थापित हो गया था। जिसकी जानकारी मुन्नीलाल को हुई तो अवैध संबंधों में बाधा बन रहे मुन्नीलाल को रास्ते से हटाने के लिए ओमकार ने अपने गांव के ही 2 साथी सुभाष और भगवा को साथ लेकर मुन्नीलाल के घर में सोते समय रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी थी और पुलिस को इसी बीच सफलता मिल गई और मुन्नीलाल की हत्या के दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। जी, थाना हसनपुर में एक हत्या का मुकदमा माह फरवरी में दर्ज हुआ था, जिसमें कि हत्या करने वाले अभियुक्त अज्ञात थे। इसमें पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में छानबीन में पाया गया कि जो मृतक की बहू थी, जो कि मुकदमे की वादिया भी है, उनका एक गांव के ही एक व्यक्ति से संबंध था, जिसके चलते गांव इनके घर में काफ़ी तनाव हो गया और इनकी बहू काफ़ी समय पहले मृतक की बहू घर छोड़ के चली गई। जो व्यक्ति है ओमकार, जिसका कि मृतक की बहू से संपर्क था, उसने योजना बनाई जिसके तहत मृतक को मारने के लिए उसने 2 और अन्य साथियों को अपने साथ लिया और उनको 20,000 रुपये देना तय किया। इसी के चलते हत्या वाले दिन ये तीनों अभियुक्त इकट्ठा होकर मृतक के घर में गए, वहाँ पर उसका रस्सी से गला दबाकर उसे मार दिया और उसे एक नेचुरल डेथ का रूप देने के लिए वहाँ पर चाय में ब्रेड मिलाकर वहाँ फैला दी, ताकि ये प्रतीत हो कि उल्टी करने के पश्चात उसकी बीमारी से मृत्यु हुई है। परंतु उसका जब पोस्टमार्टम करवाया गया, उसमें स्ट्रेंगुलेशन पाया गया, मतलब कि रस्सी से गला दबाना पाया गया, जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आज ये अनावरण किया है।